वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विद शिखा। मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। चलिए आज की रेसिपी तैयार करते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है वाई वाई भेल। ये बहुत ही सिंपल है, नॉन फायर रेसिपी है एंड इंस्टेंटली आप जब चाहे इसे बनाकर खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वाई वाई का एक पैकेट, ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड, धनिया पत्ती, थोड़ा सा रफली चॉप्ड वेजीज जैसे कि प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची, लेमन जूस एंड टमेटो केचप। पर ये ध्यान रखें कि सारी हमारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। एंड वेजीज आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वाई वाई को थोड़ा सा क्रश करके, क्योंकि हम यहाँ भेल बना रहे हैं, नूडल्स नहीं बना रहे, तो हमें इन्हें थोड़ा सा क्रश कर लेना है। बड़े से मिक्सिंग बोल में हमने इसे ले लिया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वाई वाई का मसाला। तो ये एज इट इज़ ये मसाला इतना टेस्टी होता है कि इसके बाद हमें स्पाइसेस और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इस भेल में, ये इटसेल्फ बहुत है। तो इसके स्पाइसेस और इसका जो अनियन ऑयल होता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बस उसके बाद हमें ऐड करना है थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो आप इसकी जगह थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची, थोड़ा सा टमेटो केचप, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा एंड ये अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा साथ में, मतलब भेल जैसा एक टेक्सचर आ जाएगा हमारा। और थोड़ा सा लेमन जूस। बस हमारी वाई वाई भेल बनकर तैयार है। तो बस इसे मिक्स कर लीजिए एंड इन्जॉय इट इंस्टेंटली, वरना सील जाएगी। तो इट्स वेरी सिंपल टू मेक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए इस चैनल के बारे में। एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सो कम ऑन गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल देन, हैप्पी कुकिंग।